इस बच्चों आज स्टार्ट करते हैं दूसरा टॉपिक है। इस टॉपिक का नाम है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। आज जो टॉपिक हम लेकर आपके सामने उपस्थित हैं इसका नाम है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। तो ध्यान दीजिएगा, जो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर है इसको कैटेगराइज कर रखा है दो भाग में। इसको किस प्रकार से कैटेगराइज किया है? दो भागों में इसको कैटेगराइज कर रखा है, ठीक है। पहला भाग है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑन ऑपरेशन, और सेकेंड है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑन साइज। यानी सेकेंड क्या है? टाइप्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑन साइज। दो भागों में इसको कैटेगराइज कर रखा है। बात करेंगे सबसे पहले किसका? टाइप्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑन ऑपरेशन में सबसे पहले बात करेंगे हम किसका? एनालॉग कंप्यूटर का। किसका? एनालॉग कंप्यूटर का। जो एनालॉग कंप्यूटर होता है वो क्या करता है? न्यूमेरियस ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है। किसको परफॉर्म करता है? ओनली न्यूमेरियस ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है। जैसे कि आपका आपके मतलब वोल्टाज, ठीक है, वोल्टाज जो जिसको बोलते हैं क्या, वोल्टाज मशीन जो होती है जिसमें जो है वोल्टाज वगैरह नापा जाता है। सेकेंड की बात करते हैं आपका टेम्परेचर मशीन। किसका बात करेंगे आप? टेम्परेचर मशीन का। तो इन सब में जो भी वैल्यूज आती है कैसी आती है? न्यूमेरियस फॉर्म में आती है। किस फॉर्म में आती है? न्यूमेरियस फॉर्म में आती है, ठीक है। वोल्टाज यानी कि जिसमें हम लोग अपने उसको नापते, किसको? करंट को नापते कराए, ठीक है। मतलब इस समय कितना वोल्ट है, कितना वोल्ट है, कितना उसको वोल्ट है। जो एनालॉग होता है वो एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करें, न्यूमेरियस वैल्यू को परफॉर्म करता है। डिजिटल की बात करें हम तो ये क्या करता है? डिजिटली फॉर्म में डेटा को परफॉर्म करता है, यानी कि जीरो वन में। किसमें? जीरो वन में जो डेटा जब परफॉर्म होता है इसे क्या बोलते हैं? डिजिटली फॉर्म, ठीक है। ये क्या करता है? एनालॉग सिग्नल को एक्सेप्ट करता है। क्या करता है बच्चा? ये एनालॉग सिग्नल को एक्सेप्ट करता है और उसको कन्वर्ट कर देता है किसमें? डिजिटली फॉर्म में, यानी कि जीरो वन में कन्वर्ट करने का कार्य कौन करता है? डिजिटल कंप्यूटर, ठीक। तीसरे प्रकार का जो है ऑपरेशन में कौन? हाइब्रिड कंप्यूटर। कौन आता है बच्चा आपका? हाइब्रिड कंप्यूटर आता है। ये क्या होता है? एनालॉग और डिजिटल का क्या है? एक प्रकार का कॉम्बिनेशन है पूरा, यानी कि हाइब्रिड में आपको दोनों रूप मिलेंगे, एनालॉग रूप भी मिलेगा और डिजिटल रूप भी मिलेगा। किसमें? हाइब्रिड कंप्यूटर में। अगर इसके एग्जांपल की बात करें तो पेट्रोल पंप मशीन देखा सबने? यस सर। पेट्रोल पंप जो मशीन होती है वो किस पे काम करती है? हाइब्रिड कंप्यूटर पे काम करती है। किस पे? हाइब्रिड कंप्यूटर के पे जो है काम करती है कौन? पेट्रोल पंप मशीन। अल्ट्रासाउंड मशीन सबने सुना तो होगा ही भाई। yes, sir, वो भी आपका हाइब्रिड पे ही काम करता है। किस पे? हाइब्रिड पे काम करता है। तो तीन प्रकार के कंप्यूटर हैं आपके, जो आपके हैं किस पे? बिल्ड ऑन ऑपरेशंस, ठीक है, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड, ठीक है। अब हम देखते हैं ये डिजिटल है क्योंकि तो हम लोग क्या यूज करते हैं? डिजिटल कंप्यूटर यूज करते हैं ना, तो इसलिए इसको भी कैटेगराइज कर रखा गया है। कैटेगराइज कर दिया गया कैसे? टाइप्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑन साइज के आधार पर जो है डिजिटल को जो है कैटेगराइज किया गया है। इसमें सबसे पहले कौन सा आता है? ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर। कौन सा हो गया आपका? माइक्रो कंप्यूटर। यानी माइक्रो का मतलब कि क्या हुआ? सूक्ष्म हो गया। क्या मतलब हुआ माइक्रो का? सूक्ष्म होता है, यानी कि जो हम लोग अपने घरों में कंप्यूटर यूज करते हैं, आपकी कंप्यूटर लैब में जो कंप्यूटर्स हैं, जो ऑफिसों में कंप्यूटर्स होते हैं, उनको क्या कहते हैं? माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम? माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं। फिर बात करेंगे किसका? मिनी कंप्यूटर का। मिनी कंप्यूटर क्या है? ये माइक्रो से क्या होते हैं? बड़े होते हैं। ये माइक्रो से क्या होते हैं? बड़े होते हैं। और ये सिंगल यूजर पे परफॉर्म करते हैं, सिंगल यूजर मल्टीपल टर्मिनल्स पर जो है मिनी कंप्यूटर जो है परफॉर्म करते हैं। यानी जो मिनी कंप्यूटर है वो सिंगल यूजर और मल्टीपल टर्मिनल्स पे काम करता है। फिर इससे बाद हम आगे बढ़ते हैं तो ये क्या मिलता हमको है? मेन फ्रेम मिल जाता है। यहाँ पे हमको क्या मिला? मेन फ्रेम मिला। मेन फ्रेम क्या है? साइज में इससे बड़ा हो गया। मेन फ्रेम क्या है बच्चा? साइज में मिनी से बड़ा हो जाता है। और ये मल्टीपल यूजर पे है, यानी कि मल्टीपल यूजर मल्टीपल आपका टर्मिनल्स पे काम करता है कौन? मेन फ्रेम। मेन फ्रेम क्या है आपका? मल्टीपल यूजर और
मल्टीपल टर्मिनल्स पे काम करने का कार्य करता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। और ये साइज में बड़ा है किससे? मिनी से। और मिनी साइज में बड़ा है किससे? माइक्रो से। यानी माइक्रो क्या हो गया? सबसे छोटा हो गया। सबसे छोटा कौन है? माइक्रो है। अब इस कंप्यूटर की बात कर रही है जो आता है सुपर कंप्यूटर। अब इस नाम ही से इसका नाम क्या रखा गया है? सुपर। सुपर यानी कि सुपर यानी जो सबसे क्या हो? सुपर हो। यानी इन सभी से क्या हो? जो सबसे स्ट्रांग होता है उसी को सुपर बोला जाता है। yes, नहीं sir. नाम से तो इसीलिए इसको क्या बोला है? सुपर। ये क्या करता है? ट्रिलियंस इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड। क्या करता है? ट्रिलियंस इंस्ट्रक्शंस, TIPS। TIPS मतलब ट्रिलियंस इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड, यानी कि एक सेकंड में जो है ट्रिलियंस जो इंस्ट्रक्शंस को क्या करता है? ये एक्सेस करता है, उनको जो है प्रोसेस करता है। ठीक है, MIPS मींस मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड। ध्यान में रखिएगा ये सब बातें। ठीक है, मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड और ट्रिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड। अब जो सुपर कंप्यूटर है, जो हमारा जो साइंटिफिक एरिया है, कौन सा एरिया है? साइंटिफिक है। साइंटिफिक हो गया, वीदर हो गया डिपार्टमेंट, साइंटिफिक डिपार्टमेंट हो गया, वीदर डिपार्टमेंट हो गया, डिफेंस डिपार्टमेंट हो गया, इनमें स्पेस डिपार्टमेंट हो गया। इनमें जो कंप्यूटर्स यूज किए जाते हैं वो कौन से होते हैं आपके? सुपर कंप्यूटर होते हैं। कौन से होते हैं? सुपर कंप्यूटर। अगर सुपर कंप्यूटर की एग्जांपल की बात करें तो आपका क्या होता है? क्रे वन। कौन सा होता है? क्रे वन, क्रे टू, ठीक है, क्रे XMP। दीज आर क्या है आपके? सुपर कंप्यूटर। जैसे भाग अनुराग हो गया, परम हो गया, दीज आर क्या है आपके? सब सुपर कंप्यूटर के एग्जाम्पल हैं। दैट्स क्लियर। आज का जो टॉपिक था हमारा टाइप्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑन ऑपरेशन, 3 टाइप्स, एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑन साइज, माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम एंड सुपर। तो इसी के साथ फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।